दोस्तों आज मैं खुल के बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये टेक चैंपियन सपोर्ट जो है ना चैनल, उनका मालिक अंशु मौर्य सर और ये जो नित्या का सपोर्ट है जो ये चैनल उसका मालिक नित्या सर, ये दोनों आखिर जब आप जाते हैं इनके पास, जैसा कि मैं गया था कल ना, मैं गया इनके पास तो नित्या के सपोर्ट सर ने एक वीडियो हमारे साथ में बनाया, मतलब कि अपने स्टूडियो में बैठा करके एक वीडियो बना करके मस्त अपने चैनल पे अपलोड किए। तो यहाँ पर सवाल आ रही है भाई कितना पैसा चार्ज किया आखिर में, ये दोनों से मैं कल में मिला था, टेक चैंपियन सपोर्ट जी से और नित्या के सपोर्ट जो चल रहा है दोनों के ऑनर से मैं कल बात किया, मिला सब कुछ, मतलब दिन भर का टाइम जो है इन्हीं के साथ मैं कल पास किया। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल निकल के आ रहा है आखिर कितना पैसा चार्ज किए ये, आखिर गरीब यूट्यूबर से पैसा इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बात आ रही है यहाँ पर। मैं देखिए ये चीज़ मैं बोलना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मन नहीं था मेरे को ये बात को लाने के लिए सामने, मगर कुछ कमेंट सामने आ गया ना, इसलिए मैं इस चीज़ को सामने लाना चाहता हूँ जो सच्चाई है, रियलिटी आखिर में, या कि सब कोई सच्चाई पता चले, ऐसा ना कि कोई अंधेरे में रहे। यहाँ देख सकते हैं कमेंट दोस्तों क्या है, कितना दिया नित्या को, सही बोलो भाई। ठीक है, ये बस कहाँ से आ रहा कमेंट, दिमाग से निकल के आ रहा लोगों के, लोग भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा जाएं बड़े यूट्यूबरों के पास, उनके साथ वीडियो बनाएं, उनके चैनल पे अपलोड करवाएं, तो कुछ हमको भी सपोर्ट मिले, सहायता मिले, है ना, सबको इसे चाहता है ऐसा, इसलिए कमेंट भी आ रहा है इस टाइप का। तो जाहिर सी बात है हमको वीडियो बनाना, बना करके मतलब आपके सामने दिखाना, मतलब कि बहुत जरूरी है कि क्या सच्चाई है कि कितना पैसा ले रहे हैं ये लोग, है ना, कितना दोनों लोग मिलकर कितना पैसा ले रहे हैं, क्या है आखिर में ये। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए हम शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैं जब स्टार्टिंग में नित्या के सपोर्ट सर के पास गया था तो कैसे कैसे उन्होंने अपना मतलब डिहरी रोड में पूरा घुमाया मेरे को बाइक से, मजा आ गया था भाई। ठीक है, वो सब तो मजा वाली बात थी, मैं लास्ट में मैं बात करूंगा इसमें कि आखिर कितना पैसा चार्ज किया गया था, आपको भी अगर करवाएंगे आप कभी प्रमोशन वगैरह कुछ ऐसा तो कितना पैसा आपको चार्ज करना है, या प्रमोशन ये कैसे करते हैं, आपका क्या क्या स्थिति मतलब देखते हैं, कैसा इनका कंडीशन रहेगा आपके चैनल का, मतलब कि तो ये आपका प्रमोशन करेंगे, सब कुछ बात किए सारा कुछ इनसे, तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला। चलिए सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको कि इनका घर, सबसे पहला नंबर इनका मैं घर पूरा आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बनाया हुआ एक स्पेशल जो कि मैं इनका घर का पूरा रियलिटी दिखाने वाला हूं आपको, इनका घर आखिर कैसा है, एक यूट्यूबर का घर कैसा होता है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैं इनके बाइक पर बैठ के पूरा फराटा भरा डिहरी के मतलब रोड में, तो बहुत मजा आया मेरे को उसमें, तो वो चीज भी मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तीसरा मैं बात करूंगा कि आखिर में कितना पैसा चार्ज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नित्या के सपोर्ट चैनल देख सकते हैं मेरे साथ में, मस्त घूम रहे हैं आजकल पूरा मजा बाइक पे, ये देखिए बाइक का साउंड भी है, मजा है बाइक। एक यूट्यूबर का दोस्तों घर, घर किस टाइप का होता है देख लीजिए। ठीक है, लोग बोलते हैं यूट्यूब से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है यार। ठीक है, घर पे ही रुके थे, देख सकते हैं उनका घर पूरा, देखिए पूरा है ना, उनके पापा जी। ओके, ये देखिए पूरा मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हैं उनका गेट, देखिए ये पूरा बाहर का सीन, देखिए उनका नित्या सहचर जी का। ठीक है, घर का देख सकते हैं, उन्होंने भी उतना अच्छा से आपको नहीं दिखाया होगा जितना मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा है ना। अभी अंदर भी चलेंगे, पूरा स्टूडियो वगैरह सब कुछ दिखाएंगे आपको हम, ये बस बाहर का भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देख सकते हैं यही है नित्या सर जी का घर पूरा। ठीक ना, अब चलिए अंदर चलते हैं, पूरा दिखाते हैं स्टूडियो वगैरह, यहाँ देख सकते हैं है ना लिखा हुआ पूरा बोर्ड, देखिए सर जी का नित्यानंद कुमार लिखा हुआ है ना देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड। अब चलते हैं अंदर, यह है टेक चैंपियन सपोर्ट जी का बाइक। ठीक है, चलिए घर के अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरा उनका स्टूडियो वगैरह कैसा है, घर सारा कुछ। ठीक है, बस मैं शू को यहाँ पर खोल लेता हूँ, देखिए आते हैं यहाँ पर वेलकम। ओके, देखिए टेक चैंपियन सपोर्ट जी के साथ में आते हैं भाई, अल्तमस ब्लॉग इनका चैनल का नाम है। ठीक है, ये देखिए नित्या सर जी के पापा जी पानी में दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए नित्या सर जी का पूरा घर वगैरह देख सकते, ये आपको दिखाई भी होंगे, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखिए पूरा कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर चल के स्टूडियो एक बार दिखाता हूँ, सारा कुछ मैं दिखाता हूँ आपको,
देखिए चलते जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, पूरा दिन भर मैं घूमा हूँ। ये देखिए पूरा ऊपर का जो दिखा दे कि मैं कभी मूड ख़राब होता है वीडियो बना बना के, तो यहाँ पर मैं टीवी देख कर थोड़ा सा मूड फ्रेश करता हूँ, है ना नित्य जी जो दिखाते हैं। तो ये भी है, ये जगह देख सकते हैं पूरा भाई, दिन भर मस्ती किए यहाँ पर, मज़ा आ गया। मगर ये देखिए उनका मेन स्टूडियो जो कि अभी है नहीं, मैं खुद से खोल रहा हूँ, ठीक है पूरा। ओ सॉरी किचन में आ गया स्टूडियो, अच्छा ये वाला है देख सकते हैं, ठीक है वो चले गए हैं डिहरी में, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो इसलिए अंधेरा तो है, लाइट हाँ देखिए लाइट मैंने जला लिया, पता है ना कैसे जला लिया, मेरे को पता भी नहीं था। ये देखिए नित्या जी का सेटअप, ठीक है पूरा ओके, देख सकते हैं ब्रॉडबैंड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये भी दिखाए होंगे आपको, मैं भी दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं पूरा। ये है स्टूडियो दोस्तों, ठीक है, मगर ये बस बाहर से अभी है, देखिए देखिए पूरा ये है ना नित्या जी का स्टूडियो, यहीं पर पूरा होता है वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ, ओके सारा कुछ। अब देखिए ये मेन स्टूडियो, अभी इसके अंदर चलेंगे, मेन स्टूडियो ये है, नो एंट्री का जो लगा हुआ है, ठीक है इसके अंदर चलेंगे तब सारा कुछ दिखेगा। ये ऐसे फेसी सब यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, ये दोस्तों देख सकते हैं इनके जो है कि स्टूडियो के अंदर, ये पुराना वाला ट्राइपोड जो कि स्टार्टिंग का होता है तो सब लोग भाई संभाल कर रखते थे, ये भी संभाल कर रखे हैं नित्या जी भी। ये देख सकते हैं सबसे मेन चीज़ जो यूट्यूब की तरफ से मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्म वगैरह सब लगा हुआ है, आवाज़ इको ना हो, मैं इसका लाइट जलाने की कोशिश किया मगर जला नहीं पाया, ठीक है क्योंकि मेरे को पता नहीं ना भाई अभी। अब ये देखिए कैनन कौन सा कैमरा है, कैनन 200D, वाह क्या कैमरा है यार, मज़ा आ जाता है इस कैमरे से तो, है ना। मगर अपना भी नसीब आएगा एक दिन, अपना भी आएगा जो ये कैमरा रहेगा अपने सामने, खैर अभी तो नहीं है कोई बात नहीं। ये दोस्तों इनका स्टूडियो, ठीक है छोटा सा, बहुत ही छोटा है मगर मस्त है, अच्छा है, कोई आवाज़ वगैरह गूंजता नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ आप देख लिए होंगे दोस्तों, देखिए पूरा है ना, मैं अब इसको बंद करता हूँ, नो एंट्री का बोर्ड, ठीक है मैं ये लाइट्स को भी वगैरह बंद करता हूँ, चलिए लाइट्स भी बंद, थोड़ा उठका देता हूँ किवाड़ी को, उसके बाद थोड़ा इसके भी ऊपर मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको पूरा एक यूट्यूबर का दोस्तों घर, घर किस टाइप का होता है देख लीजिए, ठीक है। लोग बोलते हैं यूट्यूब से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है यार, बस करने वाला चाहिए उस टाइप का। देख सकते हैं पूरा ये सबसे ऊपर हम आ गए, ठीक है छत पर, इनको छत कहा गया। चलिए इसको भी ओपन करता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों छत पे भी क्या मतलब सीन है यार, वाह ये छत पे भी एक छोटा सा घर, वाह क्या नज़ारा, देख सकते हैं दोस्तों ऊपर भी ग्रिल वगैरह, अरे मस्त चमका हुआ मतलब समझ सकते हैं, देख सकते हैं पूरा टाइल्स वगैरह पूरा फिट है ना, पूरा टाइल्स ही टाइल्स है, ये देखिए पूरा टाइल्स है दोस्तों, ये सब कुछ छत पर भी टाइल्स, तो कितना अच्छा है यार, मैं क्या बताऊँ। यूट्यूब पर यार मतलब आने का मतलब है कि थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए और काम करिए, देखिए इतना कुछ हो सकता है। तीन तल्ला बंगला दोस्तों ये तीन तल्ला, ठीक है मैं आगे से भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, तो दिखा भी दिया हूँ मैं सबसे पहले में, ओके अब मैं चलता हूँ नीचे। ये बस यूट्यूब की कमाई है दोस्तों, यूट्यूब है तो इनका सब कुछ है, बस ये काम करिए यहाँ पर अच्छे से, देख सकते हैं पूरे नीचे तीन तल्ला के ऊपर मैं आया हूँ है ना। अभी सर जी वहीं रह गए हैं, अब ये देखिए सर जी का बेडरूम मैं दिखाऊँ आपको, देख सकते हैं इसी में सोते हैं, ये देखिए अब अल्तमस जी यहाँ पर आराम करेंगे। थक गया यार, पूरा थक गया, पूरा ट्रैवलिंग करे करके ना हालत खराब हो गई भाई, पांच दिन से भाई बाइक भी खराब हो गई ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई यार। मौर्या जी को छोड़ के आ गया डेरे, थोड़ा घूमने चले गए, काम भी था शायद, वो भी पांच दिन से बाहर घूम रहे हैं, आज मिल गया हम लोग को इधर में, बाइक जो खराब हुआ था मैं दिखाया ना कि बाइक अब सही हो गया है। ओके दोस्तों बस यहीं तक रहेगा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग पूरा देख लिए, पूरा मस्त ये घुमाए मेरे को डिहरी में, पूरा खाना पीना सब कुछ हुआ एकदम से, और टेक चैंपियन सपोर्ट सर जी भी आ गया था, तो बहुत मजा आया दोनों के साथ रह करके, पूरा ठंडा फंडा सब चला। उसके बाद आप घर भी देखे होंगे कि घर कैसा था, ठीक है मजा आया होगा आपको घर देख करके, एक यूट्यूबर का घर इतना शानदार
और साथ में मतलब मेरे को इनका जो स्टूडियो है ना, स्टूडियो बड़ा मस्त लगा यार, एकदम छोटा सा है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा। मैं पूछा था उनसे खाली स्टूडियो का मतलब जो अंदर का जो लकड़ी वाला मैं आपको बताया था आगे से जहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद अंदर में कितना खर्च लगा था, तो बताया कि 60 से 80 हज़ार करीब में अंदर में सिर्फ खर्च लगा था। तो सोच सकते हैं भाई ये पूरा जो क्वार्टर इनका मतलब पूरा बिल्डिंग जो है जिसको बंगलो बोल सकते हैं वो कितना का होगा, पूरा टाइल्स ये वो हर जगह मतलब यार सब कुछ यूट्यूब के पेमेंट से है ना। अगर राउंड फिगर में बात करूँ तो ये वीडियो बनाकर डाले भी थे कि 1 करोड़ रुपया कम से कम इस बंगला का बनाने में मतलब लगा था इनका। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो बंदा यूट्यूब से कमा करके 1 करोड़ का बंगला बना सकता है, तो एक जो यूट्यूबर गरीब यूट्यूबर जो नया यूट्यूबर इनके पास जाएगा प्रमोशन के लिए चाहे कुछ ऐसा, तो ये कितना चार्ज करेंगे, कितना पैसा लेंगे, हमसे कितना लिया आखिर में, यही चीज मैं बताना चाहता था आपको, सच्चाई लाना चाहता था मैं सामने। बताइए यहाँ तक मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर आप देखे होंगे कि इतना 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 चार्ज करते हैं, मगर ये जो है ना नित्या के सपोर्ट सर, दिल से सैल्यूट है आपको मेरे भाई, दिल से सैल्यूट मैं करना चाहता हूँ इनको। क्यों? क्योंकि ये मेरे से एक पैसा भी चार्ज नहीं किए हैं। और लोग की देखिए बात मैं नहीं करता हूँ, बहुत से यूट्यूबर है जो चार्ज करते हैं पैसा, मैं ये सर जी एक भी चार्ज नहीं किए हैं, जो कि आप सोच सकते हैं जिसका लाखों करोड़ों का मतलब घर बंगला हो, लाखों रुपये मंथली इनकम होती है, 10,000 रुपया 5,000 हमसे लेके क्या उखड़ जाएगा उनका, क्या इतना दिन चलने वाला है। ये चीज मैं सच्चाई आपके सामने लाना चाह रहा था कि भाई साहब कोई यहाँ पैसा नहीं लगता, हाँ प्रमोशन भी ये सबका नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछा था तो बताइए कि देखिए मैं उन्हीं लोग का करता हूँ जो कि दिखता है मुझे कि ये वाकई में ये अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि कोई कोई होता है ना 10 वीडियो डाले चले गए प्रमोशन के लिए, सर जी प्रमोशन कर दीजिए ना, मेरा थोड़ा सा वीडियो बना के डाल दीजिए ना, तो ऐसे लोग का ये बिल्कुल नहीं करेंगे। आप दिखाइए अपने चैनल पर मेहनत, जैसे कि मैं दिखाया था ना मैं 10 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ, 10 महीना हो गया मेरे को, 300+ वीडियो मतलब 304-305 करीब वीडियो हो गया, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर है ना, 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी अपने पास है, ओके, मगर उस टाइप का मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा चैनल से। इसलिए ये देखे हम एक बार बस मैसेज किए थे इनको जीमेल पर कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा है, ये वो आपसे हम मिलना चाहते हैं, सर बोले बस आइए आइए। हम बोले भी नहीं सर को कि सर वीडियो बनाइए मेरे साथ में, मगर सर खुद बोले चलो चलो वीडियो बनाते हैं। तो यार ऐसे बंदे से मतलब ऐसे बंदे को लोग बोलते हैं कि पैसा लेके काम कर रहा, तो भाई उसको मतलब क्या बताओ, कीड़ा ही पड़ने वाला है अगर कोई ऐसा बोले तब, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे मतलब इंसान लगे मेरे को, बहुत मस्त मजा आ गया दोनों से मिल करके। तो बस मेरा मोटिव यही था कि आपको मतलब सही चीज बता देना कि 1 भी रुपया नहीं लगा है हमारा, मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मिल के आया हूँ, हमारा वीडियो वो डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, टेक चैंपियन सपोर्ट सर के भी जाके चैनल पर आप देख सकते हैं हमारा वीडियो, उसमें भी दोनों है, ठीक है, दोनों वीडियो में आपको दे दिया दिखा दिया, जाके देख लीजिएगा, ओके भी दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिमाग से ये ख्याल निकाल लीजिए कि पैसा कुछ दे करके प्रमोशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, ठीक है, कोई मतलब ऐसा ना हो तो गलत मतलब कि धब्बा उनके ऊपर लग जाए कि पैसा लेकर के ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जीरो जीरो फीस, जो कि और भी जो खर्चा पानी किए वो ना पूरा जितना डिहरी में घुमाया फिराया मेरे को, कार में घुमाया, बाइक पे घुमाया, पूरा सारा खर्चा पानी सब वही लोग संभाले, मैं 1 भी रुपया अपना लेने नहीं लगाया मेरे भाई, ठीक है, एकदम सच्चाई बात है जो, और आपका भी 1 भी रुपया ये लगने नहीं देंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि नए यूट्यूबर के पास पैसा नहीं होता है, वो कमाते नहीं हैं, हाँ जब कमा लेंगे तो खुद आप खुद लगाएंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों बस वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।